हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी का 9th मंथ चल रहा है और आप बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं अपनी डिलीवरी को लेकर, क्योंकि हर जो नई माँ होती है पहली बार जब वो डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रही होती हैं तो बहुत सारे लोग उनको बताते हैं, सजेशन देते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका डिलीवरी का टाइम पास में आ गया है और आप बहुत ज़्यादा लेबर पेन से डर रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, हाँ थोड़ा बहुत लेबर पेन होगा लेकिन आप उसको सहन कर सकती हैं, क्योंकि आप इस बात को सोचिए कि आप अकेली ही डिलीवरी नहीं कर रही हैं बेबी की, आपसे पहले कितनी लेडीज़ की डिलीवरी हो चुकी है, वो हेल्दी एंड वेल्दी हैं, तो आप क्यों डर रही हैं। जो उन लोगों ने सिचुएशन फेस करी है वही आपको करनी पड़ेगी, बट थोड़ा सा आपको अपने आप को काम डाउन रखना है, मेंटली प्रिपेयर रखना है, ठीक है। तो आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी एकदम नॉर्मल हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ छोटी छोटी टिप्स आपको वहाँ पर फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आप चाहती हैं कि आप लॉन्ग टाइम लेबर पेन से बचे जाएँ और आपकी जो डिलीवरी है वो एकदम स्मूथ हो जाए। अक्सर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि लेबर पेन से इतना डर जाते हैं, जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं या देखते हैं तो हम क्या करते हैं, सिजेरियन करा लेते हैं। लेकिन सिजेरियन के क्या आपको पता है कितने सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हमारी जो बोन होती है बैक बोन, वहाँ पर हमें इंजेक्शन दिया जाता है और वो पेन हमें लाइफ टाइम तक बना रहता है। इतने सारे स्टिचेस आते हैं, कम से कम हम 1 या 2 महीने हमें ठीक होने में लगते हैं, ठीक है, और फिर भी हम प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाते हैं। हमें बहुत सारी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम हमें आगे चलकर फेस करनी होती हैं। और सिजेरियन में हम अपने मन के मुताबिक कुछ खा पी भी नहीं पाते हैं, तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं सिजेरियन के। लेकिन आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो विद इन 1 वीक आप एकदम स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड वेल्दी फील करोगे, किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि आप लेबर पेन से डर रही हैं और आप सोच रही हैं कि मैं तो सिजेरियन करा लूँगी, तो प्लीज़ इस जो आप अपने इस थॉट को बिल्कुल अभी स्किप कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने पेन को, लेबर पेन को एंजॉय करना है उस समय, बस थोड़ी सी हिम्मत बांधनी। करना क्या है आपको दिखिए, अगर आप चाहती हैं कि लेबर पेन के समय आप नॉर्मल रहें और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, सबसे पहले करना क्या है आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और लेबर पेन आपको बहुत ज़्यादा ना हो, तो जब आपकी लास्ट की 3 मंथ चल रहे होते हैं उन महीनों में आपको बैठ कर पोंछा लगाना है, मेढक की स्टाइल में, डक की स्टाइल में आपको धीरे धीरे चलना है नीचे फर्श पर। तो उससे क्या होता है, हमारे जो पेल्विक जॉइंट होते हैं वो खुलते हैं, जब वो अच्छे से खुल जाएंगे तो जब बेबी होगा तो उसका हेड आराम से बाहर निकल आएगा और डिलीवरी के समय आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम पूरी प्रेगनेंसी में कोई काम नहीं करते हैं, रेस्ट करते हैं और खाते रहते हैं, जिससे हमारा वेट इतना बढ़ जाता है और काम ना करने की वजह से जो हमारी पेल्विक जॉइंट है वो खुलते नहीं है और वहाँ से बेबी नहीं निकल पाता और सिजेरियन आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको आपके घर के हल्के फुल्के काम करते रहने हैं, एक्सरसाइज करती रहनी है और जैसे मैंने बताया बैठ के काम करिए, कुकड़ू मार के जो हम काम करते हैं वैसे आप बैठकर पोंछा लगाइए। पूरे घर में नहीं लगा सकती तो एटलीस्ट आप 2 कमरे में बैठकर पोंछा लगाइए, आप बैठकर कपड़े धोइए, आप बैठकर एक्सरसाइज करिए, डक वाली स्टाइल में चलिए, तो उससे क्या होगा आपकी जो पेल्विक जॉइंट है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, लास्ट के 3 महीने में आपको जो घी की अमाउंट है वो बढ़ा देनी है, यानी आप अपने खाने में घी को इंक्लूड करती रहिए, तो आपको जो प्रसव पीड़ा होगी उस समय बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा और बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको वो दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा, आपको जल्दी ही डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप घी की मात्रा को भी उस समय आप बढ़ा दीजिए, तो एक लुब्रिकेशन बनता है तो जिससे बच्चा आराम से बाहर निकल आता है और आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। इसके साथ ही जब आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ अब वो वीक, वो दिन, वो पास आ गया है और आपको हल्की हल्की पेन जैसा महसूस हो रहा है, तो आप क्या कर सकती हैं कि आपकी जल्दी से डिलीवरी हो जाए, आप क्या करेंगी कि आप अपने घर में एक टब ले लीजिए, उसमें आप गुनगुना पानी भर लीजिए और उसमें आप बैठ जाइए, तो आपको जो पेन में वो राहत मिलेगी। और जब आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपको विद इन 1 आवर या कुछ ही देर में आपका बेबी हो जाएगा। तो आपको जब भी दर्द महसूस होते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, तो उस समय आप टब में हल्के गुनगुने पानी में आप अपने ये वाला एरिया
पूरा उसमें डुबो दीजिए, तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा और आराम से आपकी डिलीवरी हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, डिलीवरी के समय यानी जब भी आपका डेट आती है कि इस डेट में आपका बेबी होने वाला है, तो उस वीक में आप खजूर खाइए, दूध के साथ आप खजूर खाइए, उससे भी आपकी डिलीवरी निकट आएगी और आपकी डिलीवरी आराम से हो जाएगी। डिलीवरी के समय आप गुनगुना दूध पी सकती, हल्का वार्म दूध पी सकती, वो भी आपको रिलैक्स करेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। गहरी गहरी सांस लीजिए, जितनी सांस आप लोगे, सांस को इनहेल करोगे, उसको रोक के रखो, फिर छोड़ो, तो आपको दर्द में बहुत राहत मिलेगी और आपका डिलीवरी आराम से हो जाएगी। उस समय आपको कुछ नहीं करना, मन को शांत रखना है, वो गहरी गहरी सांस आपको लेना है, ठीक है। पहले से ही आपको तैयारी करके रखना है कि आपके वो जॉइंट खुल जाए, अगर आपको वो जॉइंट नहीं खुले तो आपका बेबी नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए आपको पहले से ही काम करते रहना है, वॉक करते रहना है, एक्सरसाइज करते रहनी है, तभी वो एरिया आपका वहाँ पे ओपन हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सजेशन पसंद आए हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगी कि आप किसी की मत सुनिए, बस ये आप यही सोचिए कि मैं पहली ऐसी औरत नहीं हूँ, मुझसे पहले कितनों ने बेबी को बर्थ दिया है, नॉर्मल दिया है, उस पेन को सहा है, जब वो ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आप जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।